गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित ओबरी गांव पड़ा। वर्तमान में गांव की प्रधान फातिमा हैं। लगभग 8000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 3 किलोमीटर ही है। लगभग 4800 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 750 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 550 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 65 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 20 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइटें भी गाँव में लगवाई गयी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 8 सीसीटाइज रोड, खडंजे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवास, स्कूल में शौचालय व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 40 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसीटाइज रोड, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 200 शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 200 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं इकबाल हुसैन, ग्राम प्रधान पति, ग्राम पंचायत ओबरी, विकास खंड असमोली, जिला संभल का रहने वाला हूँ। जो भी मेरे गांव में पैसा निधि से आया है, मैंने वो अपने पैसा सारा खर्च किया है। जैसे कि सड़क है, लाइटें हैं, शौचालय हैं, स्कूल है, जूनियर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें सीसी टाइल्स का काम किया है, टंकी का काम किया है, शौचालय बनवाए हैं, और भी गांव में जो काम हुए हैं, नाला बनवाया है, इंदिरा आवास 19 आ चुके हैं, 20 आवास आ चुके हैं वो बनवाए हैं, और आगे के लिए भी सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं हमारे ग्राम पंचायत को पैसे की ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेजने की कृपा करें। मेरा नाम शाकिर, ओबरी के ग्राम पंचायत ओबरी का रहने वाला हूँ, और मेरे पास मकान नहीं था। अब प्रधान जी ने मकान बनवाया, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं प्रधान जी हमारे। बस